तो दोस्तों मैं हूँ आपका उषा, लड़की ने वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है हाल फिलहाल में होंडा ने करी अपनी न्यू बाइक को लॉन्च, जिसका नाम है होंडा NX200। तो यार मतलब अब लगता है कि एक्सपल्स का टाइम ख़त्म होने वाला है। जिस हिसाब से ये जो बाइक लग रही है उस हिसाब से आई है, तो यार एक्सपल्स टाटा बायो होने वाली है लग रहा है एक्सपल्स की। तो चलो बात कर लेते हैं इस बाइक के बारे में, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिसकी वजह से भाई साहब ये जो बाइक आप लोगों को लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करी जाए तो दोस्तों ये जो बाइक है ये आपको मिलेगी एडवेंचर 2 टाइप की बाइक, यानी फुली एडवेंचर करो यार, ऑफ रोड ऑन रोड लॉन्ग राइड जो करना वो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक नंबर वाली बाइक निकाल दिया। बात करी जाए तो दोस्तों इस बाइक की हाइट के बारे में, तो मेन चीज़ जो है इस बाइक के डायमेंशन हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसके ऊपर मैं करता हूँ आप लोगों से बात। सबसे पहले दोस्तों बात करी जाए तो इस बाइक की हाइट के बारे में, तो हाइट जो मिलेगी वो मिलेगी आपको 1268 mm की हाइट इस बाइक के अंदर मिल जाएगी, जो कि हाइट में थोड़ी सी ऊँची है, क्योंकि तो आप लोगों को पहले पता है भाई ऑफ रोडिंग मशीन है और सैडलिंग वेडलिंग करनी है, तो भाई वो चीज़ तो हमें खैर चाहिए ही। बात करी जाए तो दोस्तों इस बाइक की विड्थ के बारे में, तो विड्थ जो मिलेगी वो मिलेगी 821 mm की आपको विड्थ इस बाइक के अंदर मिल जाएगी। और हाँ यार थोड़ा बाहर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आसपास की नॉइज़ को अवॉइड कर लेना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। बात करी जाए तो दोस्तों इस बाइक की लेंथ के बारे में, तो वो मिलेगी 2121 यानी 2121 सही लग रहा है। बाइक जो होगी एडवेंचर स्पोर्ट्स एडवेंचर टूर बाइक की होगी, एडवेंचर स्पोर्ट्स बाइक बोल लो कोई दिक्कत नहीं है, बाइक एक नंबर होने वाली है। बात करी जाए तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, इस बाइक के अंदर आपको जो सस्पेंशन मिलेंगे, तो फ्रंट में इसके अंदर आपको जो सस्पेंशन मिलेंगे वो आपको USD सस्पेंशन मिलने वाले, यानी फ्रंट में USD सस्पेंशन आएंगे। और भाई अगर देखा जाए तो ये जो बाइक है फुल ऑन इंस्पायर होगी आपकी हॉर्नेट 2.2 से, वहाँ से ही ये जो बाइक है ली जाएगी। और देखो इस बाइक के अंदर आपको मिलेगा डुअल चैनल ABS भी आपको इस बाइक के अंदर मिल जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो जहाँ तक ये चीज़ ऑप्शन में मुझे लग रही है कि इसके अंदर डुअल चैनल ABS आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ऑफ रोडिंग बाइक के लिए हमें रियल में डुअल मतलब ABS की ज़रूरत नहीं होती, रियल में हमें ऐसा ब्रेक चाहिए होता है जहाँ हम एग्जैक्ट ब्रेक मारे और जो हमारी ब्रेकिंग है वो तुरंत रुक जाए। बात कर दिया तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट इस बाइक के अंदर ये है कि इस बाइक के अंदर आपको नेक्स्ट पॉइंट जो है इस बाइक का इंजन, तो इस बाइक के अंदर इंजन आपको कौन सा मिलेगा, तो दोस्तों जहाँ तक अभी तक मेरे पास न्यूज़ आई है तो इस बाइक के अंदर आपको हॉर्नेट वाला ही इंजन मिलने वाला है। हॉर्नेट वाले इंजन को रिट्यून करा गया और उसको अच्छे तरीके से मतलब उसके जो पहला दूसरा गियर है उसको ऐसे बनाया गया है, ताकि जब आप लोगों को पता है जब हम ऑफ रोड करते हैं तो वहाँ पर हमें पहले दूसरे गियर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा आपको 184.4 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक BS6 और एयर कूल्ड इंजन आपको इस बाइक के अंदर मिलेगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगा वो निकालेगा 16.8 PS @8000 RPM पर, जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगा वो निकालेगा 17.3 Nm @7000 RPM पर। इस बाइक के अंदर आपको सेल्फ का ही ऑप्शन मिलेगा, कोई किक ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, और साथ के साथ में आपको इस बाइक के अंदर FIV मिल जाएगी। बाइक देखी जाए तो इस बाइक के अंदर आपको 5-speed गियरबॉक्स मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो मशीन है ये काफ़ी बढ़िया है, अगर जिस हिसाब से अगर आप इस बाइक को टूर के लिए भी ले रहे हो और अगर आप इस बाइक को डेली यूज़ के लिए भी ले रहे हो तो यार आपको काफ़ी मज़ा आएगा। देखो देखने में भी लुक काफ़ी आएगा, लुक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है। हैंड गार्ड भी आपको इस बाइक के अंदर मिल जाएंगे, हैंड गार्ड मिल जाएंगे, इंजन गार्ड आपको पूरा स्टील का मिल जाएगा, ठीक है। तो यार ये सारी चीज़ें इस बाइक के अंदर अभी आने के लिए आ रही है। बात कर दिया तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, नेक्स्ट जो इस बाइक का पॉइंट वो तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि इस बाइक के अंदर आपको चैन ड्राइव मिल जाएगी, ओ रिंग वाली चैन मिलेगी, और वहीं के अंदर इसके अंदर पेट्रोल को भी डलवाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे तो लॉन्ग टूर बाइक है तो यार नॉर्मली डलवाना, क्योंकि नॉर्मल जो पेट्रोल होता है वो हर जगह पे अवेलेबल हो जाता है, लेकिन अगर आपको सिटी के लिए चाहिए बाइक तो स्पीड का पेट्रोल डलवा लो। जैसे कि आपको पता है मैं अपनी हर वीडियो में स्पीड के पेट्रोल को काफ़ी ज़्यादा बोलता हूँ। डुअल डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, पैडल डिस्क ब्रेक आपको इस बाइक के अंदर मिल जाएगा। बात करी जाए तो दोस्तों ब्रेकिंग सिस्टम, इसकी ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि ऑफ रोडिंग मशीन के अंदर हमें ब्रेक चाहिए होती है और भाई उसके ऊपर ये काफ़ी बढ़िया तरीके से खड़ा भी उतरेगा। तो इस बाइक के अंदर आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा, यानी 60 से 0 जाने में ये 19.67 mm लगा ले, यानी इतनी फास्ट ब्रेकिंग है इसकी, और 100 to 0 जाने के अंदर 55.11 mm का टाइम लगा लेगी। माइलेज आपको काफ़ी अच्छा निकाल के दे देगी। माइलेज की अगर मैं बात करूँ इस बाइक की, तो माइलेज आपको अराउंड ये कम से कम 50
50 का माइलेज आपको निकाल के देगी बहुत आराम से, क्योंकि 50 का माइलेज सिटी में भी और हाईवे में थोड़ा ज़्यादा निकाल देगी, लेकिन सिटी में आपको इतना माइलेज निकालेगी और ऑफ रोडिंग करोगे तो उसमें भी आपको अच्छा खासा माइलेज निकाल के दे देगी ये बाइक है। और इस बाइक के अंदर आपको जो चर्चेज़ मिलने वाली है वो आपको मिलेंगी, डायमंड टाइप की चर्चेज़ मिल जाएंगी और USD सस्पेंशन आपको मिल जाएंगे। रियल में आपको इस बाइक के अंदर मिलेगा मोनोशोकर सस्पेंशन। व्हील साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो मिलेगा आपको 17 इंचेस के। तो इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट की बात करी जाए तो नेक्स्ट ये है कि इसके अंदर जो टायर मिलेगा वो मिलेगा 110x17 का 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ मिलेगा। जो रियल टायर मिलेगा वो मिलेगा 140x70 का रियल टायर आपको मिल जाएगा, यानी ऑफ रोडिंग वाला टायर इसके अंदर आपको प्रॉपरली मिलने वाला है। और हाँ, ये है कि ऑफ रोड और ऑन रोड दोनों चला सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशली ऑफ रोडिंग ही वाले टायर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। ट्यूबलेस टायर आपको इस बाइक के अंदर मिलेंगे क्योंकि इसके अंदर आपको अलॉय व्हील मिलेंगे, स्पोक व्हील नहीं मिलने वाले, अलॉय व्हील्स मिलेंगे। और जो हमारे अंदर एक्सपल्स के अंदर कमी थी वो कमी ये बाइक जो है वो अच्छे तरीके से कर देगी पूरी। बात करी जाए तो दोस्तों LED सेटअप भी मिलने वाला है, फ्रंट भी LED मिलेगा, रियल भी LED मिलेगा और इंडिकेटर भी आपको इसके अंदर हेलोजन वाले मिल जाएंगे। डिस्क ब्रेक की थोड़ी बात करी जाए तो पैटर्न डिस्क ब्रेक मिलेगा, जिसका जो MM होगा वो होगा 276mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक होगा और जो रियल डिस्क ब्रेक होगा वो होगा 220mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको मिल जाएगा। टेल लाइट की बात करें तो X टाइप की आपको टेल लाइट मिलेगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला ये जो बाइक है प्रॉपरली हॉर्नेट के ऊपर डिपेंड है, हॉर्नेट 2.0 के ऊपर डिपेंड है, तो उसी से निकाली गई है। लेकिन इस बाइक की मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, मतलब अगर देखा जाए तो मिनी टाइगर कह सकते हो आप इसको, जो फ्रंट की इसकी हाफ फेयरिंग दे रखी है। अगर आप जैसे वीडियो में देख रहे होगे तो इसके अंदर जैसे 220 वाली फेयरिंग जैसे आती है ना, हाफ फेयरिंग, तो वो वाली फेयरिंग आपको इसमें मिलेगी। मतलब बनाना चाहो ना तो भाई कर सकते हो इस बाइक के साथ कुछ ना कुछ, वो कहते हैं ना थोड़ा फाती वाला टाइप का, अगर कुछ करना चाहते हो कुछ आपको एक अलग सी बाइक चाहिए तो। वैसे यार ये बाइक लॉन्च हो जाए कुछ दिमाग में आइडिया आ रहा है, चलो देखते क्या करना है, थोड़ी पसंद आ गई है, अभी देखते हैं जैसे ही आपके सामने आ जाएगी तो आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। बात कर लीजिए तो दोस्तों इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में, तो जहाँ तक ये बाइक मुझे लग रही है 1.60 लाख के आसपास ये पहुँचेगी, 1.6 लाख के आसपास आपके पास ये आ जाएगी, 60 लाख के आसपास, मतलब 1,60,000 ऑन रोड पड़ेगी। मैं भी क्या बोल रहा हूँ यार, वो कहते हैं ना कॉलेज का प्रेशर आजकल ऐसा चल रहा है कि बस रिकॉर्डिंग में भी ऐसी चलती है, तो इतने में आपके ऑन रोड मिल जाएगी। अगर हाँ इतने में ये बाइक जो है ऑन रोड आती है तो भाई लेने में बेनिफिट है, और मेरे हिसाब से बाइक बेनिफिट ही है लेने के लिए, क्योंकि बाइक के अंदर कोई भी कमी नहीं है। इतने में आ जाए तो सही है, थोड़ा सा आपको पावर भी अच्छी मिल जाएगी, टॉर्क भी अच्छी मिल जाएगी और एक्सपल्स का क्या होगा बाबा वो देखते हैं। और अब बात कर लेते हैं मीटर कंसोल के बारे में कि भाई मीटर कंसोल कैसा आने वाला है इस गाड़ी के अंदर। तो मीटर कंसोल आपको मिलेगा फुली डिजिटल, मीटर कंसोल आपको इसके अंदर मिल जाएगा और फुली डिजिटल मिलेगा विद नेविगेशन के साथ। यानी जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बोला था कि भाई जो बाइक है बहुत बढ़िया तरीके से उतरने वाली है, तो मीटर की बात कर लेते हैं तो मीटर के अंदर आपको इसके अंदर नेविगेशन मिल जाएगा, गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मिल जाएगा, RPM मीटर मिल जाएगा, ट्रिप 1 ट्रिप 2 भी बता देगा आपको ये, और मैसेज अलर्ट के बारे में भी जो बाइक है आपको बता देगी, मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है तो कोई भी नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास आराम से आ जाएगी, टाइम के बारे में भी बता देगी आपको और रियल टाइम माइलेज भी ये जो बाइक है आपको बता देगी, यानी कहने का मतलब। और हाँ, इनबिल्ट हजार सिस्टम कंपनी फिटेड आपको हजार सिस्टम मिलेगा, ये मुझे अच्छा लगा कि और दूसरे जो है ABS की लाइट मिल जाएगी और साथ के साथ में आपको इसके अंदर मिल जाएगी FIP लाइट। और नेक्स्ट की अगर बात करें सर्विस रिमाइंडर भी ये जो बाइक है ये आपको बता देगी, ओवरऑल जो बाइक है प्रॉपरली आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी कि क्या यार क्या बोलूँ, मतलब कंपनियाँ क्या करके मानती, कॉम्पिटिशन करते रहो, हम लोगों को बेनिफिट उठाते रहो, एक मन करता कि थोड़ा और रुक जाओ, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बोलता मेरा कुछ प्लान है लेने का, तो मैं तो जो आ रही है बस वो कह रहे हैं लालच आ रहा है कि ये भी देख लो ये भी देख लो ये भी देख लो, तो ऐसी है। लेकिन हम समय आने का अच्छी सी बाइक का प्लान कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। और हाँ, मीटर कंसोल आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा, इसका ब्लू कलर की इसके ऊपर ब्लैक बैकग्राउंड लाइट होगी, बाकी RPM आपको वाइट कलर में लिखा हुआ, मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा। और बाइक जो है देखो यार, सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस टाइम पर माइलेज काफ़ी ज़्यादा मेन चीज़ होती है, जो मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि माइलेज तो भाई चाहिए और माइलेज ये गाड़ी निकाल के देगी, क्योंकि हॉर्नेट का जो 2.0 का जो माइलेज है वो भी काफ़ी अच्छा, अराउंड 48 समथिंग का माइलेज निकला, तो ये भी आपको 45 तक का निकाल के देगी, 50 से 45 तक का निकाल के देगी, जो कि सही है, इतना माइलेज चलता है क्योंकि यार 200cc की बाइक है, तो आपके जान लोगे 200cc में इतना माइलेज मिलेगा यार, आपको बिल्कुल ही हदीबार हो गई। और हाँ, सीट कम्फर्ट एक नंबर मिलने वाला, सिंपल सीट मिलेगी, ठीक है, जैसे स्प्लिट सीट वाला आपको इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिंपल सीट होगी, कंफर्टेबल सीट होगी, कंफर्टेबल कुशनिंग होगी इसके अंदर,
और एग्जॉस्ट नोट का जो साउंड है वो आपको स्मूथ ही मिलने वाला है, जैसे कि होंडा की जो बाइक्स होती हैं उनके अंदर हमेशा से स्मूथ साउंड रहता है। भाई मैंने चलाई एक बारी, दिल को छू गए, मतलब साउंड के मामले इतने स्मूथ कि मतलब मेरे हिसाब से वो 130 की स्पीड पे थी मेरे वो बाइक, 130 में भी अलग बिल्कुल साइलेंट, जैसे इंजन चल भी रहा है नहीं चल रहा पता ही नहीं, मतलब ये चीज़ था, ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और यही था कुछ इस वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो पसंद लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, इससे पहले एक चीज़ हो कलर ऑप्शन भी बता दूँ, क्योंकि कलर्स का तुम लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते हो कि सर कलर भी बताया करो। तो देखो, एक तो ही ब्लू कलर में अवेलेबल होगी, ब्लैक में होगी, रेड में होगी, ग्रे में होगी और होगी आपकी ऑरेंज में। तो ये तीन कलर में आपको अवेलेबल हो जाएगी, सेम वही मिलेंगी जो हॉर्नेट 2.0 वाले कलर में मिलेंगी आपको, सेम वैसे ही मिलने वाले कलर ऑप्शन आपको वही रहेगा। पीछे का मतलब देखा जाए तो फ्रंट से आपको चेंज मिलेगा, यानी फेयरिंग वेयरिंग आपको इसके अंदर मिल जाएगी अच्छी खासी, जो कि मतलब चाहिए भी। और बाकी और हाँ, एक चीज़ और आपको इसमें काफ़ी अच्छी लगने वाली है, वो है इसका लेग गार्ड, क्योंकि भाई साहब मैंने क्या बताऊँ, हीरो के मैं लेग गार्ड देख रहा हूँ, इतने बेकार लेग गार्ड आ रहे हैं, तो इसके अंदर आपको सेफ्टी पर्पज़ थोड़ा अच्छा मिल जाएगा, नकल गार्ड वकल गार्ड सब आपको ओवरऑल सारी चीज़ें बाइक के अंदर मिल जाएंगी। और दोस्तों वीडियो पसंद लाइक करो, उसको सब्सक्राइब करो, जो करना वो करेंगे, और खराब करेंगे और सदमा कहा चलना है, राहुल लॉक स्टैंड करके उस वीडियो के जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए।